हम लोग कावासाकी निंजा H2 इंपोर्ट करा रहे हैं थाईलैंड से। गाइस द UK07 राइडर निंजा H2 को थाईलैंड से इंपोर्ट करा रहे हैं और वो अभी थाईलैंड के लिए निकल गया। आज के ब्लॉग में वो थाईलैंड में रहेगा। गाइस यार आप सभी के मन में चल रहा होगा कि इंडिया में क्यों नहीं इंपोर्ट करवा लिया, लेकिन मैं बता दूं गाइस कि इंडिया में H2 अवेलेबल नहीं है और UK07 राइडर का एक ही ड्रीम सुपर बाइक है, वो है कावासाकी निंजा H2 और गाइस यार वो लेने के लिए थाईलैंड चले गए हैं। आज के एपिसोड में शायद कि वो थाईलैंड में दिखेंगे और गाइस यार H2 को ले आएंगे। गाइस यार सो सबसे पहले मैं आप सभी को क्लिप दिखाता हूं, लेकिन गाइस क्लिप देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। ओके हेलो गाइस, आप लोगों को पता था कि मेरी एक ही ड्रीम बाइक थी कावासाकी निंजा H2, बट इंडिया में कावासाकी निंजा H2 आ नहीं रही थी, तो हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड कावासाकी निंजा H2 खरीद ली थी बिकॉज मेरे को वो सपना पूरा कंप्लीट करना था। वो भी मेरे को बहुत महंगी मिली थी एंड फिर न्यूज आई कि भाई नई कावासाकी निंजा H2 आ रही है, तो आई सोल्ड माय दैट H2। बट जब मैंने वो बेची थी ना, तो लोग बहुत इमोशन थे कि बाबू भैया आपने अपने कलेक्शन की एक बहुत बड़ी बाइक H2 बेच दी है, कर्मा जा चुकी है। एंड मैं कुछ कर भी नहीं सकता था बिकॉज आप लोगों को पता है मेरा जो कलेक्शन है वो सारा फर्स्ट हैंड कलेक्शन है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि सेकेंड हैंड बाइक रखी हुई थी, बट मेरे को था कि जब मैं अपनी ड्रीम बाइक खरीदूंगा तो पूरी नई खरीदूंगा। सो उस व्लॉग के बाद हर व्लॉग में कॉमेंट आते थे कि कर्मा को वापस लेके आओ, कर्मा को वापस लेके आओ, H2 को वापस लेकर के आओ। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, आपकी बात मैंने सुन ली है एंड हम लोग कावासाकी निंजा H2 कर्मा को वापस लेकर के आने वाले हैं। एंड द थिंग इज हम लोग इसे इम्पोर्ट करा रहे हैं थाईलैंड से। सुपरा ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आपको पता है सुपरा का इंपोर्ट कराने का काम कितने महीने पहले शुरू हुआ था एंड अब जा करके एग्जीक्यूशन में। शुक्रिया इतने लंबे टाइम तक साथ देने के लिए, बट अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ लोग खुश हो जाएंगे। मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन स्पैम होने वाला है कि बाबू भैया होने वाली है, बट कमिंग टू द पॉइंट हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं H2 लेने के लिए। गाइज आपको पता है लोग ना भैया बहुत टाइम से बोलते थे कि कर्मा बेचती, तो मैंने कहा डोंट वरी, कर्मा वापस लेकर के आ रहा है। और इंडिया में टाइम भी बहुत लग रहा है ना, तो हमने कहा चलो वहाँ पे पता करते हैं। वैसे भी गाइस अब थोड़ा लेवल बढ़ चुके हैं, अब शोरूम से डिलीवरी नहीं लेते हम, अब सुधर दूसरे देश से लेकर आते हैं। और एक तो गाइज ऑलमोस्ट आप सभी ने सब सुन लिया और अपने सब्सक्राइबर्स के डिमांड के ऊपर गाइज यार कर्मा को वो रिटर्न ला रहे हैं, यानी कि कावासाकी निंजा H2 को रिटर्न ला रहे हैं, वो भी थाईलैंड से। तो गाइज यार अपने फैंस के लिए वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। और गाइज यार आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब देख लगा।